Hello students, I am Mrs. Anita, a faculty from Heartroom Skill Center, Hisar. आज हम करेंगे बीबी स्क्रिप्ट का चैप्टर 5 प्रोसीजर्स. प्रोसीजर है क्या? प्रोसीजर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड. प्रोसीजर क्या है? ए ब्लॉक ऑफ कोड है दैट आइडली परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन. जो क्या करता है? एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करता है जो हमने कोड लिखा हुआ है एक ब्लॉक के अंदर. ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट प्रोसेसेस एन इनपुट और हैंडल्स ए फाइल इज ए गुड एग्जांपल ऑफ फंक्शन. क्या है? ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट प्रोसेस एन इनपुट. ब्लॉक ऑफ कोड क्या करता है? एक क्या करेगा? एक इनपुट को प्रोसेस करेगा और हैंडल करता है एक फाइल को, जो कि एक फंक्शन का अच्छा एग्जाम्पल है. देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसीजर इन वीबी स्क्रिप्ट. वीबी स्क्रिप्ट के अंदर दो टाइप के प्रोसीजर है. तो ये पढ़ा हमने, प्रोसीजर है क्या? इट इज ए ब्लॉक ऑफ कोड जो एक सिंगल फंक्शन को परफॉर्म करता है. तो ये हमने, और ये है कितने तरह का? दो टाइप्स. दो टाइप्स कौन कौन सी है? देखो, टाइप्स ऑफ प्रोसीजर इन द वीबी स्क्रिप्ट. सब प्रोसीजर्स, द सब प्रोसीजर डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू. सब प्रोसीजर है ये, वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. फंक्शन प्रोसीजर, फंक्शन प्रोसीजर इट यूज इफ यू वॉन्ट टू रिटर्न ए वैल्यू. फंक्शन प्रोसीजर में हम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन सब प्रोसीजर में नहीं. ये हम दो टाइप्स हैं इसकी, प्रोसीजर की, सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर. सब प्रोसीजर, सब प्रोसीजर की हम देखते हैं. दिस इज ए टाइप ऑफ प्रोसीजर विच इंक्लूड्स ए सेट ऑफ स्टेटमेंट इनसाइड द ब्लॉक ऑफ कोड. कह रहा है दिस इज ए टाइप ऑफ प्रोसीजर, ये एक टाइप का प्रोसीजर है जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को शामिल करता है इनसाइड ए ब्लॉक. एक ब्लॉक के अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. और आफ्टर एग्जीक्यूशन ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है. सब प्रोसीजर में हमने क्या लिया? एक ब्लॉक के अंदर एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिए हैं, ये हमें एग्जीक्यूशन के बाद कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देंगे. तो ये हमारा सब प्रोसीजर है. दिस कैन बी डिफाइंड बाय मेकिंग यूज ऑफ कीवर्ड लाइक सब और एंड सब. दिस कैन बी डिफाइंड बाय मेकिंग यूज ऑफ कीवर्ड लाइक सब और एंड सब रिस्पेक्टिवली. इट मे नॉट टेक एन इनपुट. इसका हम यूज करते हैं सब और एंड सब का, जब हम सब प्रोसीजर का प्रोग्राम बनाते हैं. दिस कैन बी पैरामीटराइज्ड, दैट मींस कैन टेक आर्गुमेंट इनसाइड द ब्रैकेट्स इफ रिक्वायर्ड. देखिए, इसमें हम अगर जरूरत हो तो हम पैरामीटर यूज कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनको हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे. अगर रिक्वायरमेंट है तो हम इसमें आर्गुमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स को हम ब्रैकेट्स के अंदर लेंगे. तो ये तो पढ़ा हमने सब प्रोसीजर के बारे में. सब प्रोसीजर है क्या? कह रहा है कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है ब्लॉक के अंदर, और ये कोई रिटर्न वैल्यू नहीं देता है. जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, जब इसका यूज करते हैं, तो कीवर्ड्स यूज करते हैं बिगनिंग में सब और लास्ट में एंड सब. और थर्ड पॉइंट्स में हमने पढ़ा कि हम इसमें पैरामीटर भी यूज कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो. ये हमने पढ़ा सब प्रोसीजर के बारे में. अब ये सब प्रोसीजर का प्रोग्राम है. देखिए, सब रिटर्न वैल्यू, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही हमने सब लिया है. मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, लेट्स गेट बैक टू वर्क एंड सब. देखिए, ये हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये मैसेज प्रिंट कराया, उसके बाद एंड सब और कॉल रिटर्न वैल्यू. देखिए, इसका हम नोटपैड पे प्रोग्राम करते हैं. नोट पैड पे ओपन करते हैं. यहां पे सब डॉट वीबीएस. देखिए, ये प्रोग्राम है हमारा, इसको हम कंपाइल करेंगे, यहां पे रन करके देखेंगे. यही प्रोग्राम, वही सब रिटर्न वैल्यू, मैसेज बॉक्स, लेट्स गेट वर्क बैक टू वर्क एंड सब कॉल रिटर्न वैल्यू. ये हम मेन पे आते हैं. ये हमारा प्रोग्राम है,
इसको ओपन विथ, ये देखिए लेट्स गेट बैक टू वर्क, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया, ये इसकी आउटपुट है अभी जो हमने देखी है। तो इस तरह हम इसमें सब और इसमें प्रोसीजर को यूज करते हैं, सब प्रोसीजर का ये प्रोग्राम है, हमने प्रोग्राम यूज करके देखा अभी तक हमने जो पढ़ा था सब, बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज करते हैं, जब हमारा सब प्रोसीजर खत्म होता है एंड सब यूज करते हैं, और कॉल रिटर्न वैल्यू जो फंक्शन यूज किया इसको हमने कॉल कर लिया यहाँ पे। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है सब प्रोसीजर का। फिर हम आते हैं फंक्शन प्रोसीजर पे। फंक्शन प्रोसीजर क्या है, देखिए दिस इज ए टाइप ऑफ प्रोसीजर विच इंक्लूड्स ए सेट ऑफ स्टेट इन साइड द ब्लॉक ऑफ कोड, ये दोनों में ही है क्योंकि सेट ऑफ स्टेटमेंट्स तो उसमें भी यूज करते हैं सब प्रोसीजर में, फंक्शन प्रोसीजर में भी एक ब्लॉक के अंदर आफ्टर एग्जीक्यूशन मे रिटर्न वैल्यू आल्सो। देखिए वहां हमने पढ़ा था वो कोई एग्जीक्यूशन के बाद वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा बट इट मे रिटर्न द वैल्यू। देखिए दोनों में ये मेन डिफरेंस है। दिस कैन टेक एन इनपुट इफ रिक्वायर्ड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, दिस कैन टेक एन इनपुट, अगर इनपुट की जरूरत है तो हम इसमें इनपुट रिक्वायर्ड है तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करके हम उसे ले सकते हैं, ये ले सकता है इनपुट, अगर हमें सिचुएशन डिपेंड इनपुट की जरूरत है तो ये ले सकता है, दिस कैन टेक एन इनपुट। दिस कैन बी डिफाइंड बाय मेकिंग यूज ऑफ कीवर्ड लाइक फंक्शन एंड एंड फंक्शन रिस्पेक्टिवली, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं इसको हम डिफाइन करते हैं फंक्शन प्रोसीजर को, स्टार्टिंग में लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड और लास्ट में लिखते हैं एंड फंक्शन, उसमें हम लिखते हैं सब और एंड सब, इसमें हम लिखते हैं फंक्शन और एंड फंक्शन। फिर है फंक्शन प्रोसीजर्स व्हेन यूज्ड विद आर्ग्यूमेंट्स, दैट मींस बाय टेकिंग पैरामीटर इनसाइड द ब्रैकेट्स। फंक्शन प्रोसीजर व्हेन यूज्ड विद आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि फंक्शन प्रोसीजर में हम आर्ग्यूमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, टेकिंग पैरामीटर, पैरामीटर कहे या आर्ग्यूमेंट्स कहे, जब हम यूज करते हैं इनसाइड द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स यूज करेंगे विल रिटर्न ए वैल्यू इन सच ए केस, ये क्या करेंगे वैल्यू रिटर्न करेंगे जब हम ब्रैकेट्स यूज इनको पैरामीटर्स को ब्रैकेट्स में लेंगे, और जो हमारी पैरामीटर्स हैं ये हमें क्या करेंगे रिटर्न वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो ये हमने पढ़ा फंक्शन प्रोसीजर के लिए। फंक्शन प्रोसीजर में कह रहे दिस इज, देखिए इसको फिर से करते हैं ध्यान से, दिस इज ए टाइप ऑफ प्रोसीजर विच इंक्लूड ए सेट ऑफ स्टेटमेंट इन साइड द ब्लॉक ऑफ कोड, है क्या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं एक ब्लॉक के अंदर, आफ्टर एग्जीक्यूशन मे रिटर्न द वैल्यू, ये रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, दिस कैन टेक एन इनपुट इफ रिक्वायर्ड फर्स्ट, सेकेंड है दिस कैन बी डिफाइंड बाय मेकिंग यूज ऑफ कीवर्ड्स, जब भी हम इसका प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम स्टार्टिंग, जब हमें फंक्शन प्रोसीजर स्टार्ट करना है हम फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, और जब हम उसको हमें बंद करना है तो एंड फंक्शन ये कीवर्ड यूज करेंगे। सम फंक्शन प्रोसीजर विच इज यूज्ड विद आर्ग्यूमेंट्स, हम इसमें आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं जो हमें वैल्यू रिटर्न करेंगे, ये पढ़ा फंक्शन प्रोसीजर के लिए। ये एडिशन देखिए, फंक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया है हमने, फंक्शन से स्टार्ट किया है, एडिशन हम फंक्शन यूज करें, फंक्शन का नेम है एडिशन, फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे, फिर फंक्शन का नेम, ए बी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, ए और बी आर्ग्यूमेंट्स यूज किए, डिम रिजल्ट, रिजल्ट में हम दोनों का आंसर लेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम है, देखिए एंड सब दोनों का एडिशन किया, जैसे फंक्शन खत्म होगा हम लिखेंगे एंड फंक्शन, एंड फंक्शन, उसके बाद हमें यहाँ पे इनकी वैल्यू पास करेंगे आउटपुट में एडिशन, और मैसेज बॉक्स में इसकी आउटपुट लेंगे। तो ये हमारा फंक्शन का प्रोग्राम है, फंक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं एंड करते हैं, और बाद में डिम वेरिएबल लेकर के उसकी मैसेज बॉक्स में प्रिंट कराएंगे आंसर। फिर डिफरेंस बिटवीन सब प्रोसीजर एंड फंक्शन प्रोसीजर, अभी तक हमने सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर बड़े ध्यान से किया है तो हमें डिफरेंस बड़े इजीली समझ आएंगे। सब प्रोसीजर नेवर टेक्स एन इनपुट व्हाइल फंक्शन प्रोसीजर मे टेक एन इनपुट इफ रिक्वायर्ड, करेक्ट, सब प्रोसीजर है वो नेवर टेक्स एन इनपुट, कभी इनपुट नहीं लेता, व्हाइल प्रोसीजर फंक्शन प्रोसीजर कैन टेक इनपुट इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट है तो इनपुट ले सकता है। सब प्रोसीजर स्टार्ट्स एंड एंड्स विद यूजिंग सब एंड एंड सब,
जब भी हम सब प्रोसीजर को यूज करते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, स्टार्टिंग में सब और लास्ट में एंड सब लगाते हैं, वैसे ही फंक्शन के अंदर फंक्शन प्रोसीजर का यूज करते हुए स्टार्टिंग में फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे और एंड में एंड फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं जब भी हम फंक्शन की कोडिंग करते हैं, जब भी हम फंक्शन प्रोसीजर का यूज करते हैं प्रोग्राम में। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, हमें देख के पता चल जाता है सब प्रोसीजर का प्रोग्राम है या फंक्शन प्रोसीजर का है कीवर्ड से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज सब प्रोसीजर। क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज? सब प्रोसीजर नेवर रिटर्न वैल्यू, व्हाइल फंक्शन प्रोसीजर में रिटर्न ए वैल्यू, जबकि ये वैल्यू रिटर्न कर सकता है, सब प्रोसीजर नहीं। वे टू पास ए वैल्यू इन द फंक्शन, फंक्शन के अंदर हम दो तरीके से वैल्यू पास करते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। इस तरह हम आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू, व्हाइल पासिंग एन आर्ग्यूमेंट्स द चेंजेस टेक प्लेस इन द कॉल्ड प्रोसीजर। इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट रिमेन टू परसिस्ट देन इट मीन्स इट इज पासिंग बाय वैल्यू। ठीक है, ये कह रहे हैं वाइल पासिंग एन आर्ग्यूमेंट्स, जब हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, चेंजेस दैट टेक प्लेस इज कॉल्ड प्रोसीजर, जो चेंज होते हैं उसको हम प्रोसीजर बोलते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट रिमेन और टू परसिस्ट देन इट मीन्स पासिंग बाय वैल्यू, और वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हमें चेंज करने के बाद लेनी थी वो नहीं है, तो इसका मतलब हमने बाय पासिंग बाय वैल्यू यूज किए। कीवर्ड यूज्ड इन दिस केस इज बाय वैल्यू। जब भी हम प्रोग्राम करेंगे और आर्ग्यूमेंट्स को पास बाय वैल्यू एज यूज कर रहे हैं तो हम बाय वैल्यू कीवर्ड यूज करेंगे। पास बाय रेफरेंस, व्हाइल पासिंग एन आर्ग्यूमेंट्स द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द कॉल्ड प्रोसीजर। व्हाइल पासिंग एन आर्ग्यूमेंट्स, वही जब आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, जो प्रोसीजर है आर्ग्यूमेंट पास करने का वो क्या कहलाता है? प्रोसीजर। इफ द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल रिमेन टू परसिस्ट देन इट मींस इट इज पासिंग बाय रेफरेंस। देखिए, और जो वैल्यू हमें चाहिए चेंज करने के बाद वो वैल्यू हमें मिलती है, तो इसका मतलब पास बाय रेफरेंस हम आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं। कीवर्ड यूज्ड इन दिस केस इज बाय रेफरेंस, वहां पे बाय वैल्यू कीवर्ड यूज किया था, यहां पे हम बाय रेफरेंस कीवर्ड यूज करेंगे। देखिए, ये हमारा प्रोग्राम है, प्रोग्राम फंक्शन आउटपुट वन, ये फंक्शन कीवर्ड यूज किया हमने, फंक्शन का नेम है आउटपुट वन, बाय रेफरेंस, बाय रेफरेंस यूज कर रहे हैं। डिम रिजल्ट, रिजल्ट ए डिवाइड बाय फाइव, आउटपुट वन रिजल्ट, स्टोरिंग वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इन द नेम ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन। डिम ए वैल्यू, ए को वैल्यू दी हमने 10, वैल्यू इज इक्वल टू आउटपुट वन 10, मैसेज बॉक्स वैल्यू। इसको ए को 5 से भाग देने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? हमने यहाँ पे फंक्शन यूज किया है आउटपुट, और बाय रेफरेंस हम इसमें आर्ग्यूमेंट्स यूज कर रहे हैं। देखिए, इसका आंसर, इसका प्रोग्राम हम नोटपैड पे करते हैं। इसको भी हम ओपन करते हैं यहाँ पे fun.vbs, इस नाम से हमने सेव किया हुआ है। ये देखिए, सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिया हुआ है, फंक्शन आउटपुट बाय रेफरेंस, टीम रिजल्ट, रिजल्ट में हमने ये यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया है a डिवाइड बाय 5, रिजल्ट के अंदर हमें a को 5 से भाग देना है। आउटपुट एंड फंक्शन, ये हमने फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। डिम ए वैल्यू, वैल्यू के अंदर हमें आंसर चाहिए, ए में हम वैल्यू पास कर रहे हैं 10, ये हमने वैल्यू दी हुई है कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पे, और आउटपुट चाहिए हमें, मैसेज बॉक्स में हम आंसर लेंगे। ये हम इसको नोट यहाँ पे देखिए फन ओपन करते हैं, ओपन विथ, ये देखिए आंसर आ गया 2। ए में 10 वैल्यू है, 5 से भाग देंगे तो आंसर 2 ही आएगा, ये हमने बाय रेफरेंस यूज किया। देखिए, फिर इनबिल्ट फंक्शन इन द वीबी स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी हैं। अभी तक हम इसमें फंक्शन अपने यूज कर रहे थे, कोई भी फंक्शन का नेम दे रहे थे, सब प्रोसीजर उसमें अपना नेम दे रहे थे, अपने अकॉर्डिंग उसमें
वैल्यू दे रहे थे, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शन है VBScript के अंदर। देखिए इनबिल्ट फंक्शन पहले तो होते क्या है, इनबिल्ट फंक्शन वो फंक्शन है जिनकी कोडिंग पहले से ही VBScript लाइब्रेरी के अंदर है। हमें उसके लिए फंक्शन की कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ वैल्यू देनी होती है और वो फंक्शन अपना उस वैल्यू पे वर्क करता है। उनका मीनिंग पहले से डिफाइंड होता है इसकी VBScript लाइब्रेरी में। इनबिल्ट फंक्शन इन VBScript, देखिए दो तरह के इनबिल्ट फंक्शन है, फॉर्मेट फंक्शन, मैथ एंड कन्वर्जन फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन और मैथ एंड कन्वर्जन फंक्शन, देखिए आगे चलते हैं। फॉर्मेट फंक्शन, देखिए देयर आर वेरियस इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल फॉर फॉर्मेटिंग एक्सप्रेशन, दे कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन द स्क्रिप्ट विदाउट एनी नीड फॉर राइटिंग कोड। ये कह रहा है कि वेरियस इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है फॉर्मेटिंग के लिए VBScript के अंदर, हमें इनका यूज करने के लिए, इनका इनबिल्ट फंक्शन का यूज करने के लिए कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी कोडिंग पहले से ही इसके अंदर प्रीडिफाइंड होती है, हमें सिर्फ फंक्शन का नेम यूज करना होता है और जिस तरह का हम फंक्शन यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलता है। फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्मेट फंक्शन है कौन कौन से, फॉर्मेट करेंसी, दिस इज यूज टू कन्वर्ट ए स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ करेंसी वैल्यू। फॉर्मेट करेंसी, दिस इज यूज टू कन्वर्ट ए स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ करेंसी वैल्यू। हम कोई भी वैल्यू, कोई भी एक्सप्रेशन जो हम दे रहे हैं उसको हमें करेंसी वैल्यू में फॉर्मेट करना है तो हम फॉर्मेट करेंसी फंक्शन यूज करेंगे। फिर है फॉर्मेट डेट एंड टाइम, ये हमें फंक्शन के नेम से ही पता चल जाता है कि ये फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है। देखिए दिस इज यूज टू कन्वर्ट ए स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ डेट एंड टाइम वैल्यू, जो भी एक्सप्रेशन हम दे रहे हैं उसको डेट और टाइम वैल्यू में फॉर्मेट करेगा। फॉर्मेट नंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज फॉर्मेट फंक्शन एंड इज यूज टू कन्वर्ट द स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ नंबर। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको नंबर की फॉर्म में यूज करेगा। फॉर्मेट परसेंट, दिस इज यूज टू कन्वर्ट द स्पेसिफाइड एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ परसेंट वैल्यू, जो भी आपने इसमें एक्सप्रेशन दिया है प्रोग्राम में उसको परसेंटेज वैल्यू में यूज करना है तो हम फॉर्मेट परसेंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये हमारे मेन फंक्शन हैं जो फॉर्मेट हम इसमें यूज करते हैं, फॉर्मेट करेंसी, फॉर्मेट डेट एंड टाइम, फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट परसेंटेज। फिर है मैथ एंड कन्वर्जन फंक्शन, मैथ एंड कन्वर्जन फंक्शन, देखो ये भी इनबिल्ट है पहले से इसके अंदर। देखिए देयर आर वेरियस इनबिल्ट फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कन्वर्जन पर्पज एंड कैन बी यूज डायरेक्टली इन द स्क्रिप्ट विदाउट एनी नीड ऑफ राइटिंग द कोड एक्सप्लिसिटली बिफोर यूजिंग देम इन स्क्रिप्ट। इनका जो फंक्शन मैथ एंड कन्वर्जन फंक्शन है इनका हम सीधा यूज करेंगे और ये जिस पर्पज के लिए बनाए गए हैं वो अपने वो उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देंगे। देखिए हैं कौन कौन से देखेंगे अभी हम, मैथ एंड कन्वर्जन फंक्शंस, ABS, दिस इज द फ्रीक्वेंटली यूज्ड मैथ फंक्शन, ये हम एक्सेल में भी करते हैं, आप ध्यान हो एक्सेल में किया है। ABS एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए यूज करते हैं, ध्यान हो इसमें। देखिए आगे, फॉर पर्पज ऑफ रिटर्निंग द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ए रिलेटेड नंबर विच इज स्पेसिफाइड एज ए पैरामीटर, हमें कोई भी नंबर देखे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाउंड आउट करनी है, हम ABS फंक्शन का यूज करते हैं। फिर है इंट, कह रहा है दिस इज द मैथ फंक्शन एंड इज यूज्ड इन दोज केसेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू फेच एन इंटीजर पार्ट फ्रॉम ए गिवन एक्सप्रेशन। देखिए इंटीजर फंक्शन इंट, इसके पूरा नेम है इंटीजर, हमारे पास कोई भी वैल्यू है फ्रैक्शन के अंदर है, पॉइंट्स में है, लेकिन हमें क्या करना है सिर्फ इंटीजर पोर्शन ही चाहिए उस वैल्यू का, तो ये जो पॉइंट्स के बाद की वैल्यू है सारे हटा देगा और सिर्फ जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो इंटीजर वैल्यू है उसमें से पॉइंट से पहले की वही वैल्यू उठाएगा। फिर है सी डेट, ये हमने किया एब्सोल्यूट और इंट। सी डेट, दिस इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज्ड कन्वर्जन फंक्शन फॉर कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन विच इंक्लूड द डेट और टाइम पैरामीटर इनटू डेट सब टाइप, ये डेट के लिए
सी स्ट्रिंग. दिस इज द कन्वर्जन फंक्शन विच इज यूज टू कन्वर्टिंग द एक्सप्रेशन इन टू स्ट्रिंग सब बाइट. ये स्ट्रिंग सब बाइट के लिए यूज करते हैं. तो इस तरह हमने ये चार फंक्शन पढ़े. मैथ एंड कन्वर्जन फंक्शन है, एबीएस एब्सोल्यूट, इंट इंटीजर के लिए, डेट स्ट्रिंग के लिए. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने वीबी स्क्रिप्ट में पढ़ा प्रोसीजर्स, उसके टाइप्स, उसके मेन टाइप्स, सब प्रोसीजर और फंक्शन प्रोसीजर, उनका मीनिंग क्या है, उनको यूज कैसे करते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, ये हमने जाना है. थैंक्स स्टूडेंट्स.